Hi beautiful angels, this is Miss Dixie from Magic Winds Tarot Hindi और ये है आपकी new reading. आपके person क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनकी तरफ से क्या message है आपके लिए, आपकी you know आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आज देखेंगे डिटेल में इस रीडिंग को. फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो. फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwensterro.com. फ्रेंड्स, ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जाने दो. फ्रेंड्स, ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो. आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है आपको मेरा काम कितना पसंद आया. ऑल्सो अब दोबारा रीडिंग देख पाओगे, आई पोस्ट डेली. अपने डिसम्बर पेकर कार्ड रीडिंग्स चेक कर लीजिए. फ्रेंड्स, डिसम्बर वर्क और जनरल डिसम्बर का, लव का, यू नो पेकर कार्ड रीडिंग्स काफ़ी सारी कर दी है मैंने, आप उसको चेक कर सकते हो. अपनी हॉरोस्कोप्स भी चेक कर सकते हो. फ्रेंड्स, चलिए लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली. चलिए देखते हैं, आपका भी देखेंगे, आपके पर्सन का भी देखेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए. चलिए देखते हैं हाउ इज़ viewers person feeling currently, what's happening currently, कैसा feel कर रहे हैं आपके person. Wow, the star and the lovers. Wow, आप काफ़ी ज़्यादा आपको miss कर रहे हैं वो. Definitely आपको आपको ही सोच रहे हैं दिन रात सुबह शाम. And I do feel काफ़ी ज़्यादा dreams में connection हो रहा है आप दोनों का एक दूसरे से. काफ़ी miss कर रहे हैं आपके person. Also काफ़ी lust और passion energies भी हैं, you know, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको kiss करना चाह रहे हैं. The star, I do feel आपके person जो हैं उनको लगता है आप बहुत नायाब हैं. एक you know एक चमत्कार या एक यू नो एक करिश्मा है उनकी लाइफ में, आप जैसा उन्होंने कभी कोई नहीं देखा है. सो योर पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, ऑल्सो सम चॉइसेस. आपके पर्सन के पास कोई चॉइस है राइट नाउ. हो सकता है वो किसी और के साथ है, बट दे डेफिनेट यू आर डेफिनेटली ऑन दिस पर्सन माइंड. बट कुछ चॉइसेस भी हैं उनके लाइफ में. चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. हाउ इज़ दिस पर्सन आर व्यूअर्स पर्सन फीलिंग करंटली. ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्स. वाओ, आपको बहुत पैशनेटली देख रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि यू आर फीलिंग. अब आई थिंक आप लोगों ने अपनी पावर यू नो आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा. हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ है दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड. फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं. हो सकता है ये पर्सन एरीज लियो सैज हो, या आप हो सकते हो एरीज लियो सैज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज और एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी आपके पर्सन आप हो सकते हो. बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन के पास डेफिनेटली. उनको ऐसा लग रहा है चॉइस भी है कि या तो आप उन्हें चूज़ नहीं कर रहे हो, या वट एवर इज़ गोइंग ऑन दे आर फीलिंग वेरी ड्रॉन, वेरी कनेक्टेड, काफ़ी आपकी तरफ खींच रहे हैं वो. काफ़ी ज़्यादा ऐसे देख रहे हैं कि अब क्या करें, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो बहुत अपनी एनर्जी में स्ट्रांग हैं, अब क्या करें, वो आप तो एक नायाब हीरा हैं, अब वो क्या करें. लेकिन उनकी कश्मकश यहाँ साफ नज़र आ रही है. लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सन लाइफ. आई डू फील चॉइस भी है उनके पास. ये देखिए द हाई प्रीस्ट. आई फील आपके पर्सन जो हैं दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं. दिल जो है आपकी तरफ ले जा रहा है, उनकी दिमाग आपकी तरफ ले जा रहा है, सब कुछ आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप में दूरियां बहुत हैं. डिफरेंट रिलीजन कल्चर की वजह से या डिफरेंट फैमिली ओपिनियंस की वजह से आई डू फील आपके पर्सन पे प्रेशर है वो करने का जो फैमिली कह रही है. हो सकता है उन्होंने शादी कर ली है, या वो पहले ही मैरिड थे, या फैमिली की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे. लेकिन आप लोगों को वो ऐसे देख रहे हैं कि यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, और उनको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे क्या करें वो कि वो आपके पास आ जाएं. डेफिनेटली वो आपके लिए सही करना चाहते हैं, बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं आपको. फैमिली कल्चर रिलीजन लॉन्ग डिस्टेंस सब प्रॉब्लम बना हुआ है. वॉट इज़ हैपनिंग, टेम्परेंस बैलेंस में लाना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, डेफिनेट है. ये देखिए कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को भी बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ कुछ ऑफर्स भी पेश यू नो सेंड करने की. सब मेजर अरकानाज हैं. देखिए कुछ मेजर हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में. हो सकता है वो उन पे प्रेशर्स हो मैरिज करने के, हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम हैं. सो दे आर वर्किंग, दे आर ट्राइंग बहुत हार्ड, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लाइफ को बैलेंस कर लिया जाए अपनी, क्योंकि आपको खोने के बाद वो अधूरे हैं.
वो एक गाना भी अधूरे हम अधूरे तुम बिन तुम्हारे, सो दे आर लॉस्ट विदाउट यू. ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल यू नो गुमशुदा, लॉस्ट एंड फाउंड केस है. कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर. जो भी डिसीजंस अगर लिए गए हैं तो फैमिली ले रही है या करियर ले रहा है या यू नो दबाव है किसी चीज़ का उस वजह से ले रहे हैं. कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके पास आने की, बैलेंसिंग पूरी चल रही है. व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन आवर व्यूअर्स पर्सन्स लाइफ. जस्टिस डेफिनेटली, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको छोड़ा है, उनको इस चीज़ का अब रिग्रेट है और उनको अब आपकी जो पूरी पावर है उसका एहसास हो चुका है. अगर आपको वो कम समझ रहे थे या आपको ऐसी फीलिंग आई थी कि अरे ये हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमें इग्नोर करते हैं, आई थिंक आपको आपके पर्सन को उस बुरे व्यवहार का स्वाद मिल चुका है. कर्मा इज़ हिटिंग देम बैक, दे नाउ रिग्रेट इट, दे आर लाइक हमने क्या कर दिया. क्योंकि आपके बिना ये इनको डायरेक्शन नहीं है फ्रेंड्स. दिस पर्सन इज़ लॉस्ट. आप उनका हीरा हैं, आप उनका एक ड्रीम है. जब ड्रीम ही नहीं हो, ख्वाहिश ही नहीं हो ज़िंदगी में, तो किस चीज़ के लिए जिए. ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ से स्पाइस चला गया है, उनकी लाइफ से एक सेंस ऑफ अब उनकी लाइफ को कोई और चला रहा है, यू नो. सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन. जस्टिस, आई डू फील कि वो आपके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनको वही मिला जो उन्होंने आपके साथ किया था. तो दे आर बींग सर्व व्हाट दे, मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनको वापस मिल गया. द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, आई थिंक अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों में बनी हुई उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तो बात कर ली जाए, अब तो सॉरी बोल दूँ मैं, जाके ठीक कर लूँ चीज़ें मैं. हो सकता है इन्होंने मैरिज कर लिया या एंगेज्ड हैं किसी से. समथिंग इज़ गोइंग ऑन. सेवन ऑफ कप्स, चॉइसेस हैं, काफ़ी चॉइसेस हैं आपके पर्सन को. और वो मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों से आपसे बात करने की, मैसेज करने की, हो सकता है उन्होंने मैसेज किया हो, लेकिन वो मैसेज भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है. जैसे कि क्या करना चाह रहे हैं उस मैसेज में समझ नहीं आ रहा है. हाय हेलो बोल रहे हैं, कैजुअल हैं, कुछ कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं. सोच विचार बहुत चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में. एक्चुअल में वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, पर आप तो आप हैं, यू नो, यू आर, देर इज़ ओनली वन यू. कैसे बने वो आपकी तरह, बहुत मुश्किल है. नाइन ऑफ वॉन्स, वो काफ़ी पहले आपके लिए खड़े नहीं हो रहे थे फ्रेंड्स. दे वर नॉट टेकिंग एनी स्टैंड इस कनेक्शन के लिए और अब उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने जब टाइम था तो आपके डिसीजन के लिए फ़ाइट नहीं किया. ऑल्सो वो काफ़ी डिफेंसिव हैं. जब आप उनको मैसेज करते हैं तो आपको जवाब नहीं देते हैं या अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे, फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, ईगो में रहते हैं, प्राइड में रहते हैं. लेकिन आई थिंक आपको दिखा अभी भी वो यही रहे हैं कि मैं ईगो में प्राइड में हूँ, लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट मैसेजिंग यू. आई डू फील नेक्स्ट 7 आवर्स या 7 डेज़ में वो आपको मैसेज ज़रूर करने वाले हैं या कर चुके हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को कर चुके हैं. लेकिन वो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा मैसेज रहा होगा आपके लिए कि अरे ये करना क्या चाह रहे हैं, इस मैसेज में कहना क्या चाहते हैं, वॉट इज़ देयर इंटेंशन, क्या ये हमसे बात करना चाहते हैं या ये हेलो आप कैसे हो. ये तो बहुत क्लियर हो गया, यू नो, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जो आपको लग रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट ये बहुत कंफ्यूज्ड है राइट नाउ. बस इनको एक चीज़ पता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो इनको मिल गया है वापस और आपसे वो दूर होते जा रहे हैं. उस चीज़ का लॉस का रियलाइजेशन हो रहा है उनको. उनको पता है कि अब उन्हें आपसे आपको पाने के लिए पूरी जंग जीतनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस इज अ लिटिल ग्रोइंग. द कर्मा, द जजमेंट, वाओ, बहुत मेजर अरकानाज हैं. 1, 2, 3, 4, 5. वाओ, आपके पर्सन आपसे डरे हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बिकॉज वो आपको ऐसे एक पावर में देख रहे हैं. उनको लग रहा है कि उनको कोई ऑप्शन नहीं है, लाइफ इज़ टेस्टिंग दैम, कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास. जो दूसरे कह रहे हैं या जो रिलीजन, कल्चर, फैमिली, ट्रेडिशन, वर्क, जॉब सब कह रहा है वही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ. तो ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग, आर वी वर्स पर्सन. फोर ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसमें आपके पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यह पर्सन आपके बहुत स्ट्रांग सोलमेट हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कमिट करना चाहते हैं आपको शादी के लिए, बट उनकी मैरिज या आप दोनों की मैरिज की कहीं और बातें चल रही हैं. फैमिली इज़ नॉट अग्रीइंग, अ लॉट इज़ हैपनिंग हियर. काफ़ी लड़ाई झगड़े उस चीज की वजह से हो चुके हैं आपके. व्हाट इज़ हैपनिंग,
फाइव ऑफ कप्स आपको भूले नहीं है फ्रेंड्स, बहुत मिस कर रहे हैं. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है. हर जगह अगर वो किसी और के साथ हैं उनको भी दुखी कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि खुशी तो उनकी आप हैं. ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्स द सन, दिस पर्सन ये जो आपके साथ हैं वो वैसे कभी किसी के साथ नहीं हो सकते हैं. तो आप सोच सकते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं. दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मैसेज यू. थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं आप लोग कुछ, लेकिन वो आपको मैसेज करना चाहते हैं पॉजिटिवली, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं. वॉट इज़ दिस पर्सन नेक्स्ट मूव? मुझे लग रहा है आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन में, और वहाँ से जो है ये बहुत परेशान हो गए. शायद अब आपने इन पे बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, अब अपनी लाइफ में बिजी हैं. आपकी एनर्जीज देखेंगे, बट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये चीज़ है. यू आर नॉट, यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन नाउ. पहले ये करते थे, अब आप कर रहे हैं, तो इनको अब जो है बहुत बुरा लग रहा है. फोर ऑफ कप्स, वेटिंग वेटिंग वेटिंग. ये आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि क्या डिसीजन दें, क्या करें, देयर नेक्स्ट मूव. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील हो सकता है ये चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके यू नो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे कहें कि लेट्स इलोप, चलिए भाग जाते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है. आई डू फील कि ये जो है कहीं ना कहीं आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आपको मैसेज करने वाले हैं. हो सकता है ऐसा मैसेज करें कि आपको लगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या मतलब. मिक्स्ड पूरा आपको ऐसा भी लग सकता है कि क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, क्या कर, मतलब एक आपको अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन होने वाला है इनसे जब ये मैसेज करेंगे, क्योंकि इनका मैसेज जो है अपने आप में एक बहुत ही स्नीकी मैसेज होगा. इसको हिंदी में उर्दू में क्या कहूँ मैं, कि अपने आप में एक माया जाल है इनका मैसेज. कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं. सो बी केयरफुल. आपसे ये क्या चाहते हैं? कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं ये पर्सन. अब अगर सिंगल हैं डेफिनेटली कमिट करेंगे या बात करेंगे. आपको बहुत मिस कर रहे हैं. और क्यों? क्योंकि अब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया. आपने इग्नोर नहीं, आप तो शायद भूल ही गए इनको. वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जब आपको मैसेज करेंगे. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनकी लाइफ में राइट नाउ. काफ़ी ज़्यादा आप पे ये निगाहें भी बनाए हुए हैं, अगर ये किसी के साथ हैं तब भी बनाए हुए हैं. लेट अस सी आप कैसा फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी फील क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार. कुछ और क्लैरिटी मिलेगी शायद वहाँ से. आई विल लीव दीज कार्ड्स बिकॉज आई फील दे आर इम्पॉर्टेंट. चलिए देखते हैं हाउ आर व्यूअर्स आर फीलिंग अबाउट दिस पर्सन. द टावर, द चैरियट. आपने मूव ऑन कर लिया है फ्रेंड्स. आप इनके जो बार बार आपको बहुत बुरा लगा है इन्होंने जो भी किया है, अब आप तो आपके सब्र का इम्तिहान हो गया है. अब आप नहीं वेट कर रहे हो, आपने मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से कि नहीं बस बहुत हो गया है. आई डू फील इनका कुछ रीसेंट इन्होंने किया है जिससे बहुत हर्ट हुआ है आपको. मे बी इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा, जजमेंट है या कुछ इन्होंने ऐसा किया, शादी एंगेजमेंट, या अपने पेरेंट्स की सुनी, आपसे दूरी बढ़ा ली. अब आपने इनसे दूरी बढ़ा लिया. यू आर लाइक आई एम गॉन, बाय बाय, मुझे नहीं पता आप कौन है, आप मुझे नहीं जानते. आपकी ऐसी वाइब है, मैंने पहले ही कहा था आपको बिल्कुल. थ्री ऑफ वॉन्स, आप अपने फ्यूचर पे कमिटेड हैं. यू आर नॉट इवन थिंकिंग कि ये पर्सन आप. मैं हैरान हूँ आप यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए. आई थिंक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बहुत, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट वाली चीज़ है कि आप क्यूरियस हैं कि चल क्या रहा है उनकी लाइफ में. बाकी यू हैव लिटिल इंटरेस्ट इन दिस पर्सन लाइफ कि पता नहीं आप. बट ये रिलेशनशिप अभी भी बहुत स्ट्रांग है. आप अभी भी यू नो आप स्ट्रांगली अटैच्ड हैं इस पर्सन से. ऑल दो आपका फोकस जो है अपने ऊपर है, अपने करियर पे, लाइफ को आगे ले जाने में, इस पर्सन के आप ऐसे कि आप वेट नहीं करेंगे, आप इनका वेट नहीं करेंगे, इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. यू स्टिल बिलीव कि यस ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्यार है इस कनेक्शन में और एक अजीब सा खिंचाव है. द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टेन ऑफ कप्स. यस यू वॉन्ट अ फैमिली विद दिस पर्सन. आप डेफिनेटली आप श्योर हैं आपको क्या चाहिए. कमिटमेंट वरना कुछ नहीं. यू वॉन्ट कमिटमेंट वरना कुछ नहीं. आप चाहते हैं उनसे कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, यू नो आपके पास आएँ, दिल खोलें. आपको लगता है ये पर्सन बहुत दिमाग से सोचते हैं, आपको लगता है बहुत लॉजिकल हैं. दिल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ये कमिटमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. इन्होंने तो अपना सोच लिया है, सेल्फिश हैं कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं इनके बारे में. टू ऑफ कप्स, आपको भी ये प्यार और मोहब्बत चाहिए उनसे, आपको इक्वल बराबरी चाहिए उनसे. यू नो यू वांट कमिटमेंट, यू वांट दैट अल्टीमेट ऑफिशियल वाइफ, ऑफिशियल हस्बैंड वाला टैग उनके साथ, जो वो आपको भी देने में मना कर रहे हैं शायद.
एट ऑफ कप्स, देखिए आपने मूव ऑन किया इनसे, नॉट जस्ट दैट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत आपको परेशान करवाया है, बहुत आपने वेट करा है, बहुत कुछ आपने सहा है, और उसके बाद जो है आपने, सॉरी फ्रेंड्स द कार्ड वेंट, उसके बाद आपने इस पर्सन से मूव ऑन करा है. एंड आई फील ये रीसेंट एनर्जी है कि आपने इनसे मूव ऑन करा है. अभी भी आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं कि यू नो हमारे व्यूअर्स के, क्यों आपने ऐसा किया, मतलब यू नो इज़ इट, कभी कभी आपको अभी भी डाउट होता है कि वापस चले जाएं, क्योंकि कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रांग, यू आर बोथ ट्विन फ्लेम्स, या आप लोग बहुत स्ट्रांग सोलमेट्स हैं, तो यू स्टिल वॉन्ट टू गो बैक टू दिस पर्सन, यू स्टिल फील कि क्या ये सही डिसीजन था, क्या ये वापस आ जाएंगे. चलिए देखते हैं व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग. काफ़ी कुछ हो रहा है आपके कनेक्शन में फ्रेंड्स, डेफिनेटली. लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन्स फ्यूचर एक्शंस, आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या होगा. मेंडिंग डेफिनेटली फ्रेंड्स, वो आपको मैसेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से तो ये रिश्ता थोड़ा सुधर जाए, संवर जाए, वापस आ जाए. वो गाना भी है, मुझे याद आ रहा है, सवार लूँ मैं, आई डोंट नो विच मूवी सॉन्ग इट इज, यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, सवार लूँ, आई थिंक वो टाइटल ही है गाने का, द अनफिनिश्ड सिम्फनी. जी हाँ, आपके पर्सन को पता है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, नो मैटर कोई भी सिचुएशन कैसी लग रही है अभी, दे नो दिस इज़ नॉट ओवर येट. नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 बर्थडे हो सकता है, 10 अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर में कुछ हुआ है आप लोगों के बीच जो अभी भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है. टू बी फेयर, वो बैलेंस में लाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है. केओस इन कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33 हो सकता है, 33 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और 333 आपको साइंस में दिखेगा जब ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे या आपसे बात करेंगे. काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन भी, आपके बिना वो भी उधड़ गए, यू नो लाइक बिखर गए, दोनों आप लोग बिखर गए. सोल ट्राइब, दिस पर्सन इज़ योर सोल ट्राइब, आप लोग सोल फैमिली से हैं, आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, नो मैटर कोई भी आपके बीच आए, ये कनेक्शन तोड़ना नामुमकिन है. 8 नंबर ऑफ डेस्टिनी, नंबर ऑफ सैटर्न, नंबर ऑफ प्यार, नंबर ऑफ ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, थिंका नंबर 4443331111 आपको बहुत दिखेगा, स्पेशली जब आपके पर्सन आपको सोचते हैं या वो आपको मैसेज करने वाले हैं. थिंकर, आपके पर्सन बहुत सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ आने की. लेट्स सी व्हाट इज, सो व्हाट इज, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. जॉय एंड स्टेबिलिटी, फोर ऑफ वंड्स. फ्रेंड्स, आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ रिलीफ ज़रूर मिलने वाला है आपको इस कनेक्शन के अंदर, कुछ खुशी, कुछ मोहब्बत. हो सकता है वो आपको जल्दी मैसेज कर दें, हो सकता है कर चुके हों या करने वाले हैं. तो डेफिनेटली व्हाट एल्स विल हैपन इन द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. लिसन द हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम आप अपने इंट्यूशन को फोकस करें. हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली आपको कुछ लिख रहे हैं, कोट्स लिख रहे हैं, या पिक्चर डिस्प्ले पिक्चर्स चेंज कर रहे हैं, या वो आपको ऐसे फ्रेंडशिप वाले मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मतलब उनका ये है कि अरे मुझे आई मिस यू, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू नो. तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, डिवाइन साइंस भी सुनने हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेज मिल सकता है इस पर्सन से. ओ माई गॉड, लेट्स सी, वाओ दैट वाज इंटरेस्टिंग. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और कम्युनिकेशन वो अपने दिल की बातें करते नहीं हैं आराम से, यू नो जैसे करनी चाहिए. तो कुछ रिलीफ आपको वहाँ से मिलेगा, वो आपकी से दिल की बातें ज़रूर करेंगे. वन मोर कार्ड इज़ देयर, सो आई विल पिक इट अप. सो जो कार्ड फ्लाई आउट हुआ था वो है बेस चक्रा. सो दोनों 1-1 वाले कार्ड हैं. सो ईगो इश्यूज़ जो है काफ़ी बढ़ गए हैं इस कनेक्शन के अंदर, आप दोनों का ईगो हर्ट हो गया है कहीं ना कहीं. तो आई थिंक आपके पर्सन जो है अपने आपको यू नो ईगो को पीछे रख के और अपने दिल को आगे करके आपसे बात करना चाहते हैं. ऑल्सो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया है कि जो है जैसा था ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई मूव अहेड. लेकिन वही चीज़ आपके पर्सन को जो है दिल खोलने को मजबूर कर रही है और आगे आपकी तरफ आने को और सॉरी बोलने को इंस्पायर कर रही है आपके पर्सन को. सो एनी थिंग एल्स फॉर दिस कनेक्शन, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन दिस कनेक्शन. फ्रेंड्स, ये कनेक्शन बिल्कुल ओवर नहीं है. जब सही वक्त आएगा या बहुत जल्दी, अगर ये सिंगल हैं, आप दोनों ही सिंगल हैं, तो बहुत ही जल्दी यू नो मैसेजेस वगैरह, टॉक्स विल रीओपन काफ़ी. और डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, अगर अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगी चीज़ें ठीक, मुझे लग रहा है.
सो लेट्स सी वन फाइनल एडवाइस फॉर यू फॉर दिस कनेक्शन. आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर दिस कनेक्शन या फॉर योर लाइफ इन जनरल. वाओ, लुक एट दैट. Stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. जी हाँ, optimistic रहिए friends. हो सकता है आपको बिल्कुल hope नहीं है कि connection ठीक होगा. अगर आपको, वैसे तो आपकी free will है, आप जो चाहें कर सकते हैं, but अपनी stay optimistic. आपकी life में कुछ भी अच्छा हो सकता है इस connection के साथ, या वैसे in general भी हो सकता है. Miracle is coming. Anything else for our viewers? Dream big. Let go of small thoughts and about yourself. See yourself succeeding. जी हाँ, बड़े सपने देखना ज़रूरी है. या यूँ कहें कि आप इस कनेक्शन को लेकर शायद बहुत पेसिमिस्टिक हो गए हैं हमारे व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वो ज़्यादा अच्छा है. रेस्ट या ये पीरियड, दोनों आप दोनों के लिए थोड़ा आराम करने का है. यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप, गेट सम रेस्ट. हमारे व्यूअर्स बहुत स्वीट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत गिविंग भी हैं. आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, तो आप सोचो आप अपने फैमिली में, लवर्स, उनको कितना प्यार कर रहे होगे. तो इट इज़ टाइम टू टेक सम रेस्ट. आई डू फील आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर योर हेल्थ. रिलैक्स, थोड़ा इस रिलेशनशिप को भी वक्त दें. कंसल्ट एन एक्सपर्ट. आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए. वाहे, क्योंकि कंसल्ट एन एक्सपर्ट आया है. शायद आपको सिचुएशन में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है. मोर इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड. कॉन्टेक्ट समवन विद एक्सपीरियंस इन दिस एरिया. मैंने लाइव शफल कराई आपके सामने. सो या, आई डू फील हो सकता है आपके पर्सन आपके ऊपर कोई टैरो रीड वगैरह करा रहे हैं या साइकिक रीड्स. Ooh, that is why you need a reading, friends. Buy करने का ऑप्शन आपको पता है वेबसाइट, नहीं तो मेल कर लो. थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करो. आई डू रिप्लाई बैक फ्रेंड्स. मैं काफ़ी, जितनी जल्दी हो सकता है रिप्लाई कर देती हूँ, बट एक ही हूँ मैं. टाइम लगता है फ्रेंड्स. सोलमेट रिलेशनशिप, न्यू रोमांस विद स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू. वाओ, और कन्फर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स आपको? और कन्फर्मेशन चाहिए? क्या बताऊँ मैं इसके बाद आपको. इतनी अच्छी एडवाइस मिली है. यस, आप दोनों का कुछ डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन डेस्टिनी है. दिस इज़ द वन फॉर यू. सो गेट रेडी, अ सोलमेट इज़ कमिंग. ये देखिए, अपने आप कार्ड्स फ्लाई आउट हो रहे हैं. लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स मैसेजेस. हनीमून, एंजॉय द प्लेस ऑफ अ हॉलीडे टाइम टुगेदर. आई डू फील ये टाइम आपको थोड़ा रिलैक्स करने का है. अगर हो सके तो हॉलीडे पे जाएं, नहीं तो पार्क वगैरह में, या थोड़ा घूम फिर आएँ बाहर. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू. ये मुझे आपके पर्सनल लग रहा है कि जैसे आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, वर्क करे जा रहे हो, तो ये आपके लिए पर्सनल लग रहा है रेदर देन रिलेशनशिप के. टेक सम रेस्ट, इन्जॉय लाइफ. प्यार और मोहब्बत आपके कहीं नहीं जा सकते, आपके साथ ही रहेंगे हमेशा. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट. आई डू फील अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे इस कनेक्शन में. अगर नहीं है तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी लव लाइफ में. मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स हु आर गाइडेड टू टेक. सो डेफिनेटली आप जो भी एक्शंस अभी ले रहे हो वो सही हैं, जस्ट मॉडरेटली करें उन्हें, और आपके पर्सन भी एफर्ट लगाने वाले हैं आपके लिए. सो गेट रेडी. एंड अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंसडे टैरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो. एंड ऑल्सो अगर आपको ये अपने, सॉरी, एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हो तो ड्रीम बिग. करियर रीडिंग्स भी आ रही हैं बहुत सारी. सो या, आप ही हॉरोस्कोप में भी चेक कर सकते हो. आप कुछ लोग पूछ रहे थे, लव और वर्क दोनों पे करती हूँ मैं फ्रेंड्स, मेरे लिए एक्स्ट्रा काम हो जाता है. लेकिन आप चेक कर लिया करो, सारी हॉरोस्कोप रीडिंग्स लव और वर्क दोनों पे हैं. सो या, अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंसडे टैरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो. फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंसडे टैरो. दिस इज मिस्टेक सी सेइंग बाय.